अच्छा ये देखो, ये है हमारे पास, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, 2x² + x और 2x - 1 x² + 2, सही है? तो आज यार मुझे जी रात को मैसेज कर देना 11 बजे के करीब, 10 बजे के, सर वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दें, सही है? ठीक है, डाल वो मैं भूल दूंगा। जाता हूँ। अच्छा देखो, ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का वे ये होता है कि जो लीनियर फैक्टर होता है ना, उसको हम डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए अपॉन कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, ए अपॉन 2x - 1, फिर प्लस। और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम डबल कॉन्स्टेंट सपोज करते हैं, ऐसे bx + c, ठीक ये रूल फिक्स है। क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो उसके लिए डबल कॉन्स्टेंट होंगे एक्स के साथ, bx + c, और लीनियर फैक्टर होगा तो उसके लिए रूल होता है कि ए अपॉन 2x - 1 लीनियर था तो ऊपर ए आ जाएगी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है? अब इसको फर्दर जी, हमने सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे अब, ठीक है? एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस हो जाएगा ये वाला, ए x² + 2, ये समझ आता है ना, एलसीएम क्रॉस वाला, तो हाँ जी, bx + c और 2x - 1, तो डिवाइड में आ जाएगा 2x - 1 और x² + 2, ठीक है? और यहां पर जी ये इक्वल है क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन है, और 2x - 1 और x² + 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड एलसीएम। जब एलसीएम ठीक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास वैल्यूज बचेंगी वैल्यूज बचेंगी 2x² + x + 8 इक्वल टू, ए ए के साथ मल्टीप्लाई था x² + 2, और प्लस bx + c के साथ मल्टीपल था 2x - 1, ठीक है? जी अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होता है, जो फैक्टर आपको इजीली वैल्यू दे देता है ना, जैसे इससे इजीली वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x = 1/2, जी ये वैल्यू अब हम इसमें पुट कर देंगे जो हमारे पास अभी तक जो एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है, तो ओवरऑल ये वैल्यू पुट हो जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू ए बी सी को फाइंड करने के लिए ही हम करते हैं, तो 1/2² + 1/2 और प्लस 8, ए 1/2² हो जाएगा, और प्लस 2, और प्लस ये वाला फैक्टर ना 0 हो जाएगा, जहां से हम फैक्टर पुट करते हैं ना लेके वैल्यू, वो हाँ ऑटोमेटिकली जी 0 हो जाता है, 2 1/2 - 1, ठीक, तो ये कैंसिल हो गया 2 + - 1, तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। और अब जो आपके पास रह जाएगा वो ये रह जाएगा, 2 1/4 और प्लस 1/2 + 8 और ए 1/4 + 2, तो एलसीएम ले लें आप 9/4, सही है? और यहाँ एलसीएम में आ जाएगा 1/2 + 1/2 + 8, तो यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा इस साइड पर भी, तो होल आ जाएगा 2 और 1 + 1 + 16, ठीक है? और यहाँ हो जी जाएगा a = 9/4, ये हो जाएगा 16 + 1 और 18/2, और a 9/4, यहां तक क्लियर है? हाँ जी अब इसको क्रॉस कर लो, 18 × 4 और 9 × 2 = a, तो अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए आ जाता है 2 2 = 4 और 9 2 = 18, 2 2 = 4, ओवरऑल ए आ गया 4, क्लियर? जी तो हमारे पास क्या चल रहा था क्वेश्चन, बाकी हमें अभी बी की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक लेकिन मसला ये है कि दूसरे हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है कि जहां से हम फाइंड करें बी सी की वैल्यू, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है 2x² + x + 8,
और ए के साथ मल्टीपल था एक्स स्क्वायर प्लस टू और बी के साथ मल्टीपल था टू एक्स माइनस वन, तो ये बच रहा है। अब ए की वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई, लेकिन फर्दर यानी अगर हम बी और सी फाइंड करना चाहें तो ये बी एक्स प्लस सी था, बी एक्स प्लस सी। तो अगर बी की वैल्यू फाइंड करना चाहें सी की, तो उसके लिए हमारे पास कोई और वैल्यू फैक्टर्स नहीं है। तो जब ये सिचुएशन होती है तो फिर हम क्या करते हैं, पहले तो एक्सप्रेशन को पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें कंपैरिजन चलता है, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एट। तो अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए, और ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टू बी एक्स स्क्वायर और माइनस बी बी सी, या टू एक्स सी कर लें और माइनस टू बी एक्स स्क्वायर हो गया, टू एक्स सी हो गया, फिर माइनस बी एक्स हो गया और माइनस सी हो गया। सही है, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब अगर हमें बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब हम कंपैरिजन लेंगे। आप ए स्क्वायर का कंपैरिजन ले लें बोथ साइड सबसे पहले, तो आपको बी बी मिल जाएगा, टू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर को थ्रू आउट आप कैंसिल कर दें तो हो जाएगा टू ए प्लस टू बी। अब ए की जो वैल्यू थी फोर थी मेरा ख्याल है, वो यहाँ पुट कर दें तो टू बी। तो फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, टू बी इक्वल टू माइनस टू और बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। ये बी भी आ गया, क्लियर, ऊपर ए आ गया था अब बी आ गया। अब सी की वैल्यू अगर आप फाइंड करनी है तो एक कंपैरिजन और ऐसा लेना होगा कि जिससे सी मिल जाए आपको। तो मेरा ख्याल है अगर आप एक्स वाला कंपैरिजन ले लें, टू एक्स सी बी एक्स और यहाँ पर एक्स, तो सी मिल जाएगा। या कॉन्स्टेंट वाला कंपैरिजन ले लें, टू ए यहाँ से टू ए माइनस सी और एट। तो ये समझ आ रही है मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप कॉन्स्टेंट वाला कंपैरिजन लेंगे तो सी है, टू ए है और एट है, और एक्स वाला कंपैरिजन लेंगे तो एक्स है और टू एक्स सी है और बी एक्स है। तो इन सब से आपको सी की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो कोई भी एक कंपैरिजन आप ले लो, तो एक्स इक्वल ले लेते हैं हम लोग, टू एक्स सी माइनस बी एक्स, ये हो गया एक्स थ्रू आउट क्या हो गया, कैंसिल, और आपके पास यहाँ वन आ गया, यहाँ टू सी आ गया, यहाँ बी आ गया। बी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, माइनस टू और वन, तो ये हो जाएगा टू सी प्लस टू और वन। फर्दर अगर वैल्यू वन थी, माइनस वन थी, बीच में माइनस वन था जी। क्लियर? हेलो हेलो अरे दोबारा कॉल करो, अगर आवाज नहीं कट रही है तो।